दोस्तों जय हिंद। सवाल ईवीएम का बिल्कुल भी नहीं है, सवाल इस देश में चुनाव के सिस्टम का है। और ईवीएम सिर्फ एकमात्र इसका हिस्सा है। ठीक उसी तरीके से जैसे ईवीएम के आगे वीवीपैड होता है और वीवीपैड के आगे काउंटिंग यूनिट या कहे कंट्रोल यूनिट होती है, जहां पे सारी जानकारी चलती चली जाती है और इन सब पर निगरानी करने के लिए चुनाव आयोग होता है। और चुनाव आयोग के भीतर के सवाल इस दौर में राजनीतिक तौर पर कैसे प्रभावित हो रही है, आज इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर तीन सवाल पर आप जिक्र जरूरी है। यह जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहली बार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, 2019 में भी खटखटाया था, 2022 के नवंबर के महीने में भी खटखटाया था, और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, एक दो पन्ने का नहीं बल्कि 450 पन्ने का जब जवाब आया, तो उसमें एक ही लाइन महत्वपूर्ण थी कि दरअसल एडीआर जिन बातों को कह रहा है वो महज बकवास है। यानी एडीआर की पूरी की पूरी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई, उस रिपोर्ट के एक एक पन्ने को अगर आप परखना शुरू करें तो उसके दायरे में जो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए जवाब, वो भी आज देखें तो बहुत सारे सवाल आपके जहन में इस दौर में ना सिर्फ उठेंगे बल्कि एक सवाल यह भी होगा कि इस देश के भीतर में छोटे मोटे चुनाव बीजेपी हार जाती है, लेकिन जब बड़े चुनाव सामने आते हैं तो बीजेपी जीत जाती है। और इस देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का चुनाव होगा। 2014 के बाद से इस देश के रंगत ही बदल गई। चुनाव को कराने के लिए जितना पैसा चाहिए और जितना पैसा खर्च किया जाता है, उन सब का डाटा एडीआर ने अपने रिपोर्ट में जिक्र भी किया है, और उसको वह रिपोर्ट जो पैसों को लेकर के है उसकी वेबसाइट पर भी मौजूद थी। लेकिन आज सवाल इसके एक कदम आगे की है, और यह सवाल सबसे बड़ा यह है कि चुनाव आयोग खुद जिन उदाहरणों को दे रहा है, उन उदाहरणों के मद्देनजर पहली बार यह भी बात सामने आती है कि दुनिया के जिन देशों के जिन भी शब्दों को लेकर के जो जानकारी चुनाव आयोग शेयर करता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस आवाज के भीतर एक आवाज यह भी है कि यह सब कुछ मैनेज हो सकता है। और सवाल ईवीएम भर का नहीं आता है बल्कि पूरे इलेक्शन को कराने के सिस्टम का होता है, जिसमें फिर वही बात ईवीएम वीवीपैड और कंट्रोल यूनिट। ऐसे में अपनी रिपोर्ट के जरिए एडीआर ने एक ही सवाल सबसे बड़ा खड़ा किया, इस देश के भीतर में नागरिकों को इस लोकतंत्र में अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए जो वोट डालते हैं उसे जानने का हक है या नहीं। हमें लगता है आज एक एक पन्नों को एक एक करके खोलने की जरूरत है, क्योंकि यह सवाल बार बार उठता है कि दरअसल ईवीएम का मतलब क्या होता है, और इसको लेकर के हर बार बात सामने उभर करके आती है और धराशाही हो जाती है। और यहां तक कि चुनाव आयोग यह भी कहता है कि देख लीजिए कई राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर बीजेपी नहीं बल्कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीती, लेकिन देखिए लोकसभा का चुनाव आते ही ये खामोशी हो जाती है। तो क्या इस तरीके की परिस्थिति बनाई जाती है जिसमें छोटे मोटे चुनाव बीजेपी हारती चली जाती है, और बड़े चुनाव जब उसके अपने राजनीतिक जमीन का सवाल हो वहां पर वहां कोई हरा नहीं सकता उसे, और यह आश्वासन बीजेपी के भीतर रहता है या सरकार के पास रहता है, क्योंकि जो इंडिकेट किया गया वो दरअसल इसी दिशा में चीजें जाती है कि आखिर 2024 को लेकर के भी कहीं उस दिशा में सरकार आश्वस्त तो नहीं। जिन बातों को खुले तौर पर कहा गया उसमें बहुत साफ तौर पर पुरानी तमाम परिस्थितियों को भी रखा गया, और उस परिस्थिति के मद्देनजर इससे पहले जो भी सवाल आपके जहन में आता होगा उसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए जवाब और जो सवाल एडीआर ने उठाया उसको लेकर के भी वहां पर तर्ज। सवाल यह है कि ये सस्ता लोकतंत्र हो गया है। सवाल दूसरा था क्या वाकई कारगर लोकतंत्र हो गया। एक सवाल यह भी था कि कागज के जरिए चुनाव कराना और पुरानी पारंपरिक तरीके से बैलेट पेपर यानी बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराना बिल्कुल भी नहीं, कितने लाखों पेड़ कट जाते हैं तब जाकर के कागज बनता, और यह तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। इन्हीं बातों को लेकर के एडीआर अपनी बातों में यह भी कहता है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होता है
उस लिहाज से चुनावी प्रक्रिया का डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के लिहाज से क्यों नहीं हो रहा, और एंड टू एंड यानी शुरू से लेकर के अंत तक की परिस्थिति में किसी भी वोटर को लेकर के कोई सवाल अगर उसके जहन में रहता है तो उसका जवाब दे पाने में इलेक्शन कमीशन चूक क्यों जाती है। और इतना ही नहीं, जरा एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, जब हम पन्नों को खोलने जा रहे हैं उससे पहले अगर 2019 के भीतर कोई फाइल की गई रिपोर्ट को जो इलेक्शन कमीशन में की गई हो, सुप्रीम कोर्ट में की गई हो, और पूछा जाए चुनाव आयोग से कि वीवीपैट में कागज निकल रहा था, वो कागज आपके पास है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें जो स्याही से लिख करके आता है उसकी उम्र ठीक वैसे ही होती है जैसी आप कभी एटीएम से कोई कागज निकलता है या किसी भी पेट्रोल डीजल भराने जब आप जाते हैं वहां का जो कागज निकलता है, या किसी दुकान से जब आप कुछ खरीदते हैं तो उस कागज में जो दर्ज होता है वह चंद महीने के बाद ही मिट जाती है और सफेद कागज बन जाता है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन यह कहकर के बच सकता है कि दरअसल अब वो डॉक्यूमेंट नहीं, दस्तावेज नहीं जो 5 साल तक कम से कम वीवीपैट के कागज पर दर्ज रहना चाहिए कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको दिए गए थे वोट, लेकिन इस सब का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन आज जरूरी इस बात को लेकर के है क्योंकि जब 5 राज्यों की दिशा में चुनाव बढ़ रहा है और उसके बाद इस देश के धड़कन 2024 को लेकर के चुनाव की दिशा में जा रही है, राष्ट्रीय तौर पर समूचे देश में एक चुनावी माहौल है या कहे पॉलिटिकल माहौल है, और बीते 9 बरस के भीतर यह देश इतना पॉलिटिकल हो गया कि हर किसी ने या तो लकीर के उस तरफ सत्ता के करीब या इस तरफ विरोध करते हुए अपने आप को खड़ा हुआ पाया। सवाल लोकतांत्रिक परिस्थितियों में गायब हो गया, हर सवाल और राजनीतिक तौर पर देखा और परखा जाने लगा। इसीलिए आज इस बात की जरूरत है कि क्या कुछ इस तरीके से हो रहा है या जिन बातों का जिक्र एडीआर ने किया है उन बातों पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तारीख अब नवंबर की दे दी गई, इलेक्शन कमीशन ने पिछले 2 दिनों पहले यानी 6 तारीख जो 400 पन्ने का जो जवाब दिया उस जवाब को सुन करके जिस लाइन का हमने शुरू में जिक्र कर दिया कि सब कुछ बकवास है इसके अलावे कुछ नहीं, तो ऐसे में आइए जरा इसको भी सोचते हैं, इस देश के भीतर में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र की प्रक्रिया अगर चुनाव है तो उस चुनाव के भीतर का सच क्या है, और शक की वजह कई निकल करके आई है। पहली बड़ी वजह यह निकल करके आई है कि 2019 में एडीआर कहती है कि जब हम देखा कि इलेक्शन कमीशन काउंटिंग हो रही थी तो उस दौर में उसकी वेबसाइट पर काउंटिंग करने वाले डाटा निकल करके आते थे और एक के बाद एक वो डाटा धीरे धीरे बढ़ते चले जाते थे, लेकिन जीत तक पहुंचते थे तो एक झटके में कितने वोट डाले गए, किसको कितने पड़े, उसमें अंतर आ जाता था। यह शिकायत बहुत लोगों ने की और उसका पूरा कच्चा चिट्ठा एडीआर ने अपने तौर पर जमा किया है। बहुत सारे लोगों ने निजी तौर पर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया और उनको उसकी साइट जो थी इलेक्शन कमीशन की उस साइट की तस्वीरें भी भेजी कि देखिए हमने तो यहाँ पर स्कैन करके रखा है, आपके डाटा कैसे चेंज करते हैं, इसके बाद जो आंकड़े होते हैं इलेक्शन कमीशन ने कहा जी अभी से बंद कर देते हैं, और एक पब्लिक नोटिस आ गया, उसे कहा गया कि एक्चुअली अब 2-3 हफ्तों के बाद पूरी जानकारी मिलेगी। तब पहला सवाल यहाँ पर के निकल करके आया कि 2-3 हफ्ते के बाद इलेक्शन कमीशन अगर सारी जानकारी देगा तो जिस दिन रिजल्ट का ऐलान हुआ वो ऐलान कैसे हो गया जब सारी जानकारी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। तो यह पहला सवाल 2019 का, 2023 तक की परिस्थिति में बहुत सारी चीजें जुड़ती चली गई। सवाल यह था कि नवंबर आते आते सिर्फ एक ही सवाल एडीआर के तरफ से आता निकल करके कि एक रोबस्ट ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, यानी कोई गड़बड़ी नहीं हो रही हो और जनता को पता हो, पारदर्शी स्थिति हो, और यह भी अगर नहीं हो पाया तो इसका मतलब क्या है। तब यहाँ पर 1-2 देशों में जो जानकारी आई उसका जिक्र एडीआर भी करती है और उसके जिक्र इलेक्शन कमीशन भी करता है, और वहाँ पर ये बात आई कि ईवीएम में जब आप बटन दबाते हैं और उसके बाद वीवीपैट पर जो सूचना पत्र पर्ची के जरिए निकल करके आती है जो स्लिप रहती है जिसको आप देख करके खुश हो जाते हैं, इस तमाम जानकारी को जो कंट्रोल यूनिट होती है उसके पास चली जाती है, वही कंट्रोल यूनिट चीज़ों को कंट्रोल करती है और उसके बाद काउंटिंग के दिशा में वही कंट्रोल यूनिट या कहे काउंटिंग यूनिट या दोनों प्रभावी हो जाते हैं। तो जब
ईवीएम के बाद की परिस्थिति और एक पूरे सिस्टम को समझ रहे हैं जिसमें तमाम देशों के भीतर यही वह सवाल उठा था जिसके बाद एक खामोशी बरती गई और बार बार ईवीएम इलेक्शन कमीशन के तरफ से यह कह करके दिखाया कि देखिए आप बटन दबाइए, जहां दबाइएगा वोट उसी को पड़ेगा। वो सब तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सवाल उसके आगे का है और यह सवाल पहली बार इसीलिए सीधे सीधे वोटर से जुड़ रहा है कि क्योंकि 5-6 सवाल एडीआर ने जो तमाम फैक्ट के साथ खड़े किए हैं उनमें पहला यही है कि इलेक्शन कमीशन एंड टू एंड सत्यापन करने की दृष्टि में अपने आप को कमजोर पाता है। यह कह देता है कि आज तक कोई हैक नहीं कर पाया, तो सवाल यह होता है कि जब हैक हो जाता है तो पता कैसे चलेगा कि हैक हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।